अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखिए हमारी तरफ कितनी ज़्यादा धुंध है। हेलो, इसको मुझे कोई ना देखे। मेरे भी लोग हैं, मेरे बहुत से दुश्मन हैं। हमारे घर नजर ही नहीं आ रहा। ये देखें कितनी धुंध है। अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और ये देखें कितनी धुंध है। उफ, वो सामने वाला घर और ये गाड़ी जाते जाते अब गायब हो जाएगी। चलो जी टाटा। ये देखें जी, ये हमारा लॉन है, छोटा सामने बनाया हुआ है। पौधे इधर सारे लोगों के बने हुए हैं, नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे साथ वालों का लॉन है, पौधे हैं, डेलिया है इनका, लग रहा है प्यारा सा। और ये देख रहे हैं आप हैं, हालात चेक करें, हालात। ओहो, आज तक कितनी धुंध नहीं पड़ी इधर। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी सी। आपको बंद करेंगे। चले जी, देखें गेट पर भी कैसे पानी हुआ हुआ। जी, ये मैंने अपने यहाँ फूल लगाए हैं, अभी ये छोटे छोटे हैं और ये हमारा एक प्यारा सा फूल लगा हुआ है। इस पर इसकी वजह से सारा पौधा इधर आया हुआ, जल गए ठंड की वजह से। यहाँ इतनी धुंध होती है कि पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, घर ही नज़र नहीं आते। ये वाले आज तो बिल्कुल धुंध नहीं है। ये हमारे साथ वालों का लॉन है, ये हमारा घर आ गया जी। तो ये देखें, मैंने इधर इतने सारे फूल आ गए हैं, इधर भी ये देखें। वाह माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे रंग के गुलदार भी जो हैं ये पड़े हुए। ये देखें कितना खूबसूरत रंग है। वाह, इसमें और है लेकिन बहुत डार्क कलर है, प्यारा सा। ये देखें माशाल्लाह। और एक ये दरख्त लेकर आई थी मैं गाँव से, इसको डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह। और आज हमारा मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। मैं आई थी, ये दोनों बिल्ली होंगी सीढ़ियों में बैठी हैं, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो फिर आज मेरे पास ये एक पार्सल आया है, मैंने मंगवाया है ये पार्सल। कुछ इस तरीके से ये पैक है, आवाज़ भी आ रही होगी तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये असल में मैंने कुछ डब्बे मंगवाए थे चावलों के लिए, 10-10 केजी के। तो अब देखते हैं, खोल कर इसको मैं अनपैक करती हूँ, आपको दिखाती हूँ जी। गाइस, ये डब्बे मेरे जो हैं ये आ गए हैं, इनका साइज़ तकरीबन ये है, ये देखें। और ये इस तरह से आगे ये देखें इसकी डिटेल्स। और इसके साथ फिर मुझे ये दो हैं तो ये कप्स मिले हैं। इतनी कोई अच्छी इसकी क्वालिटी तो नहीं है, स्टिकर्स लगे हुए हैं ये इसके ऊपर। और लेकिन चावलों के लिए एक इसके साथ था और एक इसके साथ था। ये मैंने ब्लैक वाला मंगवाया है और एक मैंने ग्रे वाला मंगवाया था। और नीचे से भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इसके नीचे छोटे छोटे टायर्स लगे हुए हैं जैसे आप देख रहे हैं। और अगर आपने चावल निकालने हैं इसको यहाँ से खोलें और इसके अंदर से कप से चावल आप निकालें। मेरे पास वैसे ज़्यादा चावल थे और मेरे पास जैसे कि आपको पता है मेरा किचन छोटा सा है और रखने की जगह नहीं होती, तो मैंने ये डब्बे मंगवाए कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके मैं इनको रख दूँगी तो जगह भी मेरी कम मतलब होगी इस्तेमाल। पहले ऊपर वाले मशीन ले लूँगी फिर नीचे वाले मशीन ले लूँगी तो ये काम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये मुझे बहुत रिजनेबल मिल गए और बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी ऑर्डर करें दराज से। ये देखिए मैं पकौड़े बना रही हूँ, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। और आज पकौड़े बना रही हूँ, पकौड़े बनाकर आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, हमारे पकौड़े जो हैं ये रेडी हो रहे हैं और इधर मैं चाय बना रही हूँ और ये दूसरे बड़े हुए हैं पकौड़े। इधर मैं रोटी बना रही हूँ और ये पकौड़े बन रहे हैं, ये बन चुके हैं। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार पकौड़े बन गए, साथ ये रोटी है और ये चाय बन गई।